क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आरएस प्रसाद, आज आप लोगों को चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5A कराने जा रहा हूं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट 2 एलजेब्रा चल रहा है। इसका ये पार्ट 1 है, यानी आज पहला ही पहला है। तो चलो देखते हैं बच्चों इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बच्चों, क्या है इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी, तभी उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल 3x² + 4x + 7 = 0। इसमें देखो हाईएस्ट पावर यानी एक्स वेरिएबल हो गया, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल है 4x² + 5x = 0, इसमें भी एक्स जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। थर्ड को देखिए 2x² - 50 = 0, इसमें भी एक्स जो है वेरिएबल है इसकी पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है। ऐसी ही आपका फोर्थ है x² = 4, इसमें भी एक्स वेरिएबल एक ही है और इसमें पावर हाईएस्ट इसकी 2 है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो आएगा ax² + bx + c = 0, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी और सी मे बी 0 और नॉट बी 0, यानी बी इक्वल टू 0 और बी डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे सी इक्वल टू 0 और सी डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनमें से कोई सा भी, लेकिन ए 0 नहीं हो। यह है, इसमें ही एक चीज और आती है, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट का नाम लेते हैं। ये होता है हमारे पास क्या है, b² - 4ac, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, इससे हम बहुत सारी चीजें करेंगे। तो चलते हैं बच्चों देखना चालू करते हैं क्या कुछ और दिया हुआ है। ये है इसका फर्स्ट, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0, वेयर ए बी सी आर ऑल रियल नंबर्स एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये इसमें बताया गया है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, इक्वेशन 4x² + 5x - 6 = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए, मैंने डिस्क्रिमिनेंट की बात करी थी, ये है वो डिस्क्रिमिनेंट। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, इट डज नॉट इक्वल टू 0, द एक्सप्रेशन b² - 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट एंड इज इन जनरल डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल डी। मैंने कैपिटल डी बता दिया था कि डी इज इक्वल टू b² - 4ac, थस द डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू b² - 4ac। थर्ड देखते हैं, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन्स ओनली 2 टर्म्स, 1 स्क्वायर टर्म्स एंड 1 फर्स्ट पावर टर्म्स ऑफ अननोन इज कॉल्ड एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। याद रखना बच्चों, जब एक्स वाले जो है कोफिशिएंट 0 हो जाए, यानी 1 पावर वाला, मतलब इसमें 2 ही टर्म्स हैं, कौन कौन सी हैं, x² वाली है और x वाली है। एक एग्जांपल ले रहे हैं इसका, 4x² + 5x, 2 ही टर्म्स हैं, स्क्वायर वाली भी और सिंगल पावर वाली भी। ऐसे यहाँ पर है सेकंड, 7x² - 3x = 0, यानी x की स्क्वायर भी है और x की पावर 1 वाली भी, दोनों है। तो इसको क्या कहते हैं, एड इफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ नंबर पे देखिए क्या, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन्स ओनली स्क्वायर ऑफ द अननोन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इसमें जो है वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, तो इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है आपका एग्जांपल, फर्स्ट है x² = 4, इसमें केवल x का स्क्वायर है इसलिए प्योर हो गया ये। ऐसे 3x² - 8 = 0 एक्सेट्रा, इतनी सारी चीजें होंगी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, एक तो है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो है बच्चों, तो दोनों को याद रखना है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, पहले इससे पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये कह रहा है इज 3x - 2 2x - 3 = 2x + 5
2x माइनस 1 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है देख लेते हैं चेक करके। 3x माइनस 2 है इधर, और इधर है 2x माइनस 3 है इज इक्वल टू कितना है 2x प्लस 5, और यहाँ है 2x माइनस 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3x की 2x से करेंगे तो 3 टू जा 6x स्क्वायर हो जाएगा, 3x की माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 9 ऑफ एक्स जाएगा, 2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, माइनस 2 की माइनस 3 से करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, ऐसे ही 2x की 2x से करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2x की माइनस एक्स 1 से करेंगे तो माइनस का 2x हो गया, 5 की इस 2x से करेंगे तो प्लस का 10 ऑफ एक्स हो जाएगा, और प्लस 5 की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या हो गया, 6x स्क्वायर हो गया माइनस के ये 9, और 4 कितना हो गया 13 ऑफ एक्स हो गया, प्लस 6 हो गया इक्वल टू 4x स्क्वायर है, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 10 माइनस 2 करेंगे तो 8x आ जाएगा और माइनस 5 आ जाएगा। चलिए सबको लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ, तो ये 6x स्क्वायर है माइनस 13 ऑफ एक्स है प्लस 6 है, ये सारे जाके टर्म्स माइनस की हो जाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस का माइनस 8 ऑफ एक्स, और ये माइनस का था तो प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। चलिए 6x स्क्वायर यहाँ है और 4x स्क्वायर माइनस का यहाँ है तो 2x स्क्वायर बच गया, यहाँ 13 है और यहाँ 8 है तो ये 21 हो जाएगा, माइनस 21 ऑफ एक्स हो गया, और 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, यस क्वाड्रेटिक, इसका मतलब क्या हो गया, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है, क्योंकि ये इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ इस फॉर्म में आ गया, और इससे बता भी सकते हो ए 2 हो गया इसमें, बी इक्वल टू माइनस 21 हो गया एंड सी इक्वल टू 11 हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ सेकंड भी कह रहा है इज 3x इंटू 2x माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 2x इंटू 3x प्लस 5 माइनस 6, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है इसको भी, तो बच्चों चेक करते हैं, 3x है तो 2x माइनस 5 हो गया प्लस 6 हो गया इक्वल टू 2x हो गया, 3x प्लस 5 हो गया और माइनस का 6 है। चलिए मल्टीप्लाई करना है, 3x की 2x करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, 3x की माइनस 5 से तो 15 ऑफ एक्स आ जाएगा, और ये आपका 6 अपनी जगह है, 2x ही कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, फिर 2x की 5 से प्लस का 10 ऑफ एक्स, और ये माइनस 6 अपनी जगह है। चलिए सबको इधर ले जाना है, तो 6x स्क्वायर हो गया माइनस का 15 ऑफ एक्स हो गया प्लस का 6 हो गया, और माइनस का 6x स्क्वायर हो गया माइनस का 10x आ गया प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच गया माइनस का 15 है और माइनस का 10 है तो माइनस का हो जाएगा 25 ऑफ एक्स, और ये प्लस का कितना हो गया प्लस का 12 हो गया इक्वल टू 0, सबके साइन चेंज कर दीजिए तो 25 ऑफ एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, सो यहाँ क्या आ गया 9, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पर ए ही 0 हो गया, और ए क्या होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसमें ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है थर्ड, फोर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो दैट फर्स्ट है x इक्वल टू 1 बाय 3 इज अ सॉल्यूशन। तो पहले फर्स्ट की बात करते हैं,
पहले लिख लेते हैं, 3x² है प्लस का 5 of x है -2 = 0 है। फोर्थ x = 1/3 इन लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो 3 × 1/3 का स्क्वायर हो गया, प्लस का 5 × 1/3 हो गया, माइनस का 2 है। चेक करिए इसको कितना आता है, 3 × 1/9 हो गया, प्लस का 5/3 हो गया, -2 हो गया। सो इसे कैंसिल कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो ये हो गया 1/3 प्लस का 5/3 -2, तो ये 5 और 1 6 हो गया, 6/3 माइनस का 2, दैट मीन्स 2 - 2 = 0। ये क्या था हमारे पास बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड था। और ये क्या निकल करके आया अभी हमारा, राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स x = 1/3 इज अ सॉल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ दी वन इक्वेशन। चलिए सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं जरा क्या कह रहा है। इसमें फिर से वही लिखना है, 3x² है प्लस का 5x है -2 = 0। इसमें क्या करना चाह रहे हैं, पुट करना चाह रहे हैं x = 3 कहाँ पर, इन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ये आ जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर, इसमें रखना है बच्चों ऊपर में, प्लस का 5 है × 3 हो गया, माइनस का 2 आ गया। सो 3 × 9 हो गया, प्लस का 5 × 3 = 15, -2 हो गया, कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27 हो गया, और प्लस का 15 हो गया, -2 हो गया, और ऐड कर दीजिए 5 और 7 = 12 हो जाएगा, 2 और 1 = 3 और 1 और 1 हो गया 4 हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा, दैट मीन 40 विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया। सो x = 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए कहा था कि ये प्रूव हो गया है आपका, और ये भी ऐसा ही बोला गया है तो ये भी प्रूव हो गया क्योंकि नॉट अ सॉल्यूशन कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फोर्थ पे आ रहा है, इफ x = 1 and 1/2। तो लिख लेते हैं पहले x = 1 and 1/2, दैट मीन्स 2 × 1 = 2 और 1 हो गया 3, तो 3/2 हो गया। इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x² प्लस 3x - 6 = 0। लिख लीजिए इसमें 2x² प्लस (3x - 6 = 0), ये सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ कर दीजिए पुट x = 3/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में लग दीजिए। सो 2 × कितना हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस का p हो गया, (3/2) आ जाएगा, -6 = 0। इसमें सही करिए, 2 × 9/4 हो जाएगा, प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, 3 p/2 हो जाएगा, माइनस का 6 = 0। ये 2 × 2 और 2 × 2 क्या 4 हो गया, 9/2 आ गया। चलिए ये हो गया 9/2 प्लस का 3/2 of p -6 = 0। ये दोनों उस तरफ ले जाते हैं तो 3/2 of p = हो जाएगा 6 - 9/2। तो 3/2 p = टेकिंग द एलसीएम 2 आ जाएगा, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, -9। तो 3/2 p = कितना आ जाएगा, 9 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3/2 आ गया। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो p = कितना हो जाएगा, 3/2, जब ये इधर जाएगा तो लग जाएगा क्या हो जाएगा, (2/3) हो जाएगा, 3 कैंसिल विद 3 एंड 2 कैंसिल विद 3, तो 1 आ जाएगा ऊपर, तो p = 1। सो दैट इज योर आंसर, ये आंसर हो जाएगा आपका बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है
If 2 by 3 and minus 1 by 2 are solution of quadratic equation 6x square plus ax minus b equal to 0, find the value of a and b. तो चलिए पहले यहाँ लिख लेते हैं, 6x square है, plus का ax है और minus b है equal to 0, equation first हो गई. तो पहला क्या करना है, put x equal to 2 by 3, कहाँ पर, in equation first में रखना है. पहले वाले को रख के चलें, इसको लेके चले बच्चों. करिए बच्चों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा into 2 by 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का a into 2 by 3, माइनस बी इक्वल टू जीरो. तो 6 इंटू 4 अपॉन 9 आ जाएगा ये, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 बाई 3 ऑफ ए आ जाएगा, माइनस बी इक्वल टू जीरो. 3 टू जा जाएगा, 3 थ्री जा 9 हो जाएगा, तो 4 टू जा 8, 8 बाई 3 हो जाएगा, और प्लस का 2 बाई 3 ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा. चलिए ये इक्वेशन हमारी थर्ड आ गई है. अब क्या करना है, माइनस वन बाई टू इसी में पुट करना है. पुट क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रखना है आपको. चलिए रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 इंटू माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर आएगा, प्लस का ए है इंटू माइनस वन बाई टू आ जाएगा, और माइनस का बी है इक्वल टू जीरो. इसको और सॉल्व कर दीजिए, तो 6 इंटू वन बाई फोर हो जाएगा, माइनस का वन बाई टू ए हो जाएगा, माइनस बी इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे इसको, कितना आ जाएगा बच्चों, ये टू हो जा 4 एंड 2 3 जा 6, कितना आ गया देख लो, ये आ गया 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 ए माइनस बी इक्वल टू जीरो. ये इक्वेशन आपकी कितनी आ गई, 4th आ गई. अब क्या करना है, ये थर्ड में से इस 4th को माइनस कर दीजिए. चलिए सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, थर्ड में से इक्वेशन 4th को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं. तो चलिए थर्ड को पहले लिख लेते हैं, 8 बाई 3 है, प्लस का 2 by 3 a है, माइनस b है इक्वल टू जीरो है. दूसरा यहाँ पे आ रहा 3 by 2 है, माइनस का 1 by 2 a है, माइनस b है इक्वल टू जीरो. इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये कैंसल आउट हो जाएगा. यहाँ क्या बचा, ये बचा 8 by 3 माइनस का 3 by 2, और दोनों प्लस के हो गए, प्लस का 2 बाई 3 ए और प्लस का 1 बाई 2 ऑफ ए इक्वल टू जीरो. चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, और 2 8 जा 16 आ जाएगा, माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा. प्लस का इसका भी एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 3 वन जा 3 ए हो जाएगा इक्वल टू जीरो. यहाँ से बच जाएगा आपका, कितना बचेगा बच्चों देखो, 7 बच जाएगा. तो ये 7 बाई 6 हो गया, और प्लस यहाँ से भी 7 बाई 6 ए आ जाएगा इक्वल टू जीरो. सो 7 बाई 6 ए इक्वल टू माइनस 7 बाई 6, सो ए इक्वल टू माइनस 7 बाई 6 इंटू 6 बाई 7, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 आ जाएगा. सो ए इक्वल टू माइनस 1 आ गया. तो एक आंसर आ चुका है. क्या करना है आगे, इसको जरा लाइन ऑफ कंट्रोल खींच लीजिए बच्चों, ज्यादा बढ़िया रहता है. अब क्या करना है, पुट करना है, पुट ए इक्वल टू माइनस 1 किसी भी रख दीजिए, इन इक्वेशन फर्स्ट में नहीं रखना है, सेकेंड में रख दीजिए. सेकेंड तो बच्चों बनाई नहीं, थर्ड ही बनाई, चलो थर्ड में रख लेते हैं. ये थर्ड है आपका, कितना है, 8 बाई 3 हो गया, प्लस का 2 बाई 3 इंटू माइनस 1, और माइनस का बी इक्वल टू जीरो. कितना आ गया, 8 बाई 3 है, और माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों, ये
टू बाई थ्री हो जाएगा और इधर इक्वल टू बी आ जाएगा, इसमें एट माइनस टू करेंगे कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, तो सिक्स बाई थ्री इज इक्वल टू बी, ये कैंसिल हो जाएगा तो टू आ जाएगा, सिक्स टू जा थ्री टू जा सिक्स आ जाएगा, सो बी इज इक्वल टू टू आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, ए इज इक्वल टू माइनस वन एंड बी इज इक्वल टू टू, यहीं पर आंसर हो जाएगा। मतलब ये भी एक आंसर ही था आपका, तो दोनों आंसर इसके निकल गए हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा हम लोग। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 5A आ गई है। एक्सरसाइज 5A में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले फर्स्ट को चेक कर लेते हैं, तो ये है 3x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, एक्स प्लस 8 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2 इंटू 3x हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू इधर 5x हो गया और प्लस का 5 8 गया 14, यहाँ आ जाएगा 9 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया माइनस का 6 हो जाएगा 2 6, और इसको इधर ले आइए माइनस का 5x हो गया माइनस का 40 इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा ये 9 ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया और ये 6 और 5 11 हो गया, तो माइनस का 11 ऑफ एक्स हो गया और ये माइनस का 40 और प्लस का 1 माइनस 39 हो गया इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, यस इट इज क्वाड्रेटिक। यहां लिखना है यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है, क्योंकि ये इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए कितना आ जा रहा है 9 आ जा रहा है, बी कितना आ रहा है माइनस का 11 आ जा रहा है, सी कितना आ रहा है माइनस का 39 आ रहा है। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ भी बढ़ते हैं बच्चों जरा, सेकंड पार्ट दे देते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 5 ऑफ एक्स स्क्वायर है माइनस 8 ऑफ एक्स है इज इक्वल टू माइनस है 3 और यहाँ 7 माइनस 2x है। चलिए 5x स्क्वायर माइनस 8 ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का करिए मल्टीप्लाई माइनस का 3 से 3 7 जा 21, तो माइनस 21 हो जाएगा प्लस का 3 2 जा 6x। सबको लेफ्ट में लाइए तो 5x स्क्वायर हो गया माइनस ऑफ 8x हो गया और माइनस का 6x हो जाएगा प्लस का 21 इक्वल टू, ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो गया ये हो गया 14 ऑफ एक्स प्लस 21 इक्वल टू 0, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये हमारी इस फॉर्म की है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, बी इक्वल टू माइनस का 14 आ गया एंड सी इक्वल टू 21 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट चल रहा, तो पहले थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका एक्स माइनस 4 है और 3x प्लस 1 है इक्वल टू है 3x माइनस 1 और क्या साथ में ये है एक्स प्लस 2। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स के 3x से, तो 3x स्क्वायर हो गया, इसके इससे कर दो प्लस का एक्स हो गया, माइनस का 4 3 जा 12 ऑफ एक्स हो गया और माइनस का इससे करेंगे तो माइनस का 4 हो गया इक्वल टू 3 की एक्स से करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया और 3 इसकी 2 से करेंगे तो प्लस का 6x आ जाएगा, फिर माइनस 1 की करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस 1 की 2 से तो माइनस का 2 आ जाएगा। चलिए थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर हो गया ये माइनस का ये प्लस का, तो कितना आ जाएगा माइनस का 11 ऑफ एक्स माइनस 8 इक्वल टू, यहाँ 3x स्क्वायर है और माइनस का कितना है प्लस का 6 है माइनस का 1 है, तो प्लस का 5 ऑफ एक्स हो गया माइनस 2। सबको लेफ्ट में ले जाना है, तो 3x स्क्वायर हो गया माइनस 11x माइनस 4
ये माइनस का 3x² हो जाएगा, ये इधर जाकर के -5x हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। 3x² 3x² कैंसिल हो, तो माइनस का 11 और माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का 16 ऑफ एक्स, और ये प्लस का 2 है, माइनस का ये 4 है, तो माइनस का 2 हो गया, इक्वल टू साइन चेंज कर दीजिए, तो 16x + 2 = 0, तो क्या हो गया, 8 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये होना चाहिए बच्चों, लेकिन क्या है, ए 0 आ गया, बी आपका 16 आ गया, और सी आपका 2 आ गया, ये इसकी वजह से है, ये ए अगर 0 आ जाएगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। चलिए बच्चों फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ एक लाइन ऑफ कंट्रोल भी खींच दे रहा हूँ मैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ये है आपका x² + 5x - 5 = x - 3 होल स्क्वायर। चलिए खोल देते हैं, तो x² हो गया प्लस का 5x हो गया -5, ये हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 × x × 3, ये हो गया x² प्लस का 5x - 5 = x² + 9 हो गया -6 ऑफ x, 2 3 6, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो x² हो गया प्लस का 5x हो गया -5 -x² हो गया, और प्लस का 6x हो जाएगा और -9 =, ये इधर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, x² विल बी कैंसिल आउट। 5 और 6 कितना हो गया, 11 ऑफ x हो गया, -9 और -5 कितना हो जाएगा, -14 = 0, तो ये क्या हो गया, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि तो यहाँ पर जो इक्वेशन की फॉर्म होती है वो ax² + bx + c = 0, लेकिन यहाँ पे क्या है, a = 0 है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, a ≠ 0, ये कंडीशन है हमारे पास बच्चों, ये 0 नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं जरा, ये फिफ्थ पार्ट है इसका, तो फिफ्थ पार्ट को भी ले लेते हैं, ये है 7x³ - 2x² + 10 = 2x - 5 होल स्क्वायर, ये हो गया 7x³ - 2x² है प्लस का 10 है इक्वल टू, इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, तो 2x² हो गया प्लस का 5 का स्क्वायर हो गया माइनस का 2 × 2x × 5, ये हो गया 7x³ - 2x² + 10 =, इसे कर दीजिए तो 4x² हो गया प्लस का 25 हो गया -4 5 कितना हो गया 20x, सबको इधर ले आओ, तो 7x³ हो गया -2x² हो गया प्लस 10 हो गया माइनस का ये हो जाएगा 4x² और प्लस का 20 ऑफ x, और -25 = 0 हो जाएगा, बचा क्या 7x³ बच गया, यहाँ माइनस का 2x² है माइनस का 4, तो माइनस का 6x² हो गया, फिर 20 ऑफ x हो जाएगा और प्लस का 10 और ये माइनस का, तो ये माइनस का ये 25 है 15 बच जाएगा = 0, यहाँ ध्यान देखो x³ है बच्चों, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फालतू टर्म्स हो गई, सो क्या हो गया, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है, ये क्यूब वाली फॉर्म है, ये इसकी वजह से नहीं हुई, ये एक्स्ट्रा आ गया, हमारी इक्वेशन रियल में ax² + bx + c की ही फॉर्म में होती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमको और देखना है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, सिक्स वाला पार्ट ले रहे हैं,
क्या कह रहा है ये है आपका एक्स माइनस वन स्क्वायर है प्लस एक्स प्लस टू इसका भी स्क्वायर है प्लस का थ्री है और एक्स प्लस वन है इक्वल टू जीरो। चलिए स्क्वायर खोलते हैं इसका, हम एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का टू इंटू एक्स इंटू वन, इसका स्क्वायर खोल दीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का टू का स्क्वायर और प्लस का टू इंटू एक्स इंटू टू, इधर क्या बच जाएगा प्लस का थ्री एक्स हो जाएगा और प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। चलिए जरा देखते हैं क्या क्या हो गया, सही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस का वन हो गया और माइनस का टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का फोर हो जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ फोर एक्स आ जाएगा देखो इसको, और फिर प्लस का यहाँ थ्री एक्स है और प्लस थ्री है इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर देखो कितने हो गया टू एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स वाले देख लेते हैं कितना आ गया माइनस का टू है थ्री और फोर सेवन हो गया, सेवन और माइनस का टू करेंगे तो फाइव हो जाएगा प्लस का फाइव एक्स। अब कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं तो यहाँ वन हो गया फोर फाइव हो गया और थ्री एट हो गया प्लस का एट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो गया यस में आ गया यस इट इज क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यों है क्योंकि ये इस फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए कितना है टू है बी इक्वल टू कितना है फाइव है एंड सी इक्वल टू कितना हो गया एट हो गया। सो ये आंसर हो गया है बच्चों। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जरा क्या क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट हमारा। सेकेंड है, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये क्या कह रहा है इज एक्स इक्वल टू फाइव अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो इसमें क्या करना है मैम, पुट एक्स इक्वल टू फाइव इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख ले रहा हूँ बच्चों। क्या है ये है एक्स स्क्वायर है माइनस का टू एक्स है माइनस का फिफ्टीन है, इसमें रख रहे हैं हम जरा, तो फाइव का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का टू इंटू फाइव हो जाएगा और माइनस का फिफ्टीन, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव होता है और माइनस का फाइव टू जा टेन हो गया माइनस का फिफ्टीन, तो ये हो गया ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो, जो कि राइट हैंड साइड है हमारी। देखो राइट हैंड साइड इक्वेशन की है तो क्या हो जाएगा यस में आंसर हो जाएगा यस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। चलिए ये आंसर हो गया आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं जरा। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है इज एक्स इक्वल टू माइनस थ्री अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन क्या है टू एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स प्लस का नाइन इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास। पुट क्या करना है, पुट करिए एक्स इक्वल टू माइनस थ्री कहाँ पुट करना है इन लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन फर्स्ट। चलिए लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस का नाइन, चलिए इसमें रख दीजिए तो टू इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेवन इंटू माइनस थ्री हो जाएगा और प्लस का नाइन हो जाएगा। सॉल्व करना है इसको, टू इंटू नाइन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का जाएगा ट्वेंटी वन हो जाएगा और प्लस नाइन हो जाएगा, कितना आ गया यहाँ नाइन टू जार एटीन हो गया, एटीन प्लस ट्वेंटी वन प्लस नाइन, इसको और ऐड कर दीजिए नाइन और वन टेन और एट एटीन हो गया और थ्री और वन फोर फोर्टी एट विच
does not equal to 0, यानी ये does not equal to right hand side, so it is not a solution of given of equation first, ये इसका solution नहीं होगा। चलते हैं next, देखते हैं जरा, if under root 2 by 3 is a solution of equation 3x square plus mx plus 2 equal to 0, find the value of m. तो लिख लीजिए इसमें 3x square है plus का mx है plus का 2 equal to 0, ये equation first है, put कर दीजिए इसमें, क्या करना है, x equal to root 2 by 3 in equation first, रख दीजिए तो 3 हो गया, यहाँ पे रूट टू बाई थ्री हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एम हो जाएगा, इंटू रूट का टू बाई थ्री है और प्लस का टू इक्वल टू जीरो, तो थ्री इंटू कितना हो जाएगा, टू बाई थ्री हो जाएगा, प्लस का एम इंटू टू बाई थ्री का स्क्वायर रूट है, प्लस का टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, टू और टू फोर बच जाएगा, m into root 2 by 3 और plus का 4 equal to 0, तो m is equal to कितना आ जाएगा, minus का 4 हो गया, और यहाँ under root कितना है, 2 by 3 है, तो m is equal to minus का 4 into root 3 by 2 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा, ये है 2 by 3 and 1 are the solution of the equation mx square plus mx plus 6 equal to 0, find the value of m and m. सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, m x square है plus का nx plus 6 equal to 0, अब इसमें क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, पुट क्या करना है, सबसे पहले आपको पहली वैल्यू करनी है, पुट x इक्वल टू, ये 2 बाई 3 दी हुई है, इसको 2 बाई 3 को रखना है, इसमें 2 बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, चलिए रख लेते हैं, यहाँ m है इंटू 2 बाई 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का n इंटू 2 बाई 3 प्लस 6 इक्वल टू 0, और सॉल्व कर लेते हैं, तो m इंटू ये 4 बाई 9 हो गया, प्लस का ये कितना हो जाएगा, n इंटू 2 बाई 3 और प्लस का 6 इक्वल टू 0, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो इजी लगेगा, तो ये हो जाएगा 4m प्लस 3 टू जस्ट 6 हो जाएगा, यहाँ 6n आ जाएगा, प्लस का 9 से 54 इक्वल टू 0, अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो डिवाइड भी कर दीजिए 2 से डिवाइड, तो 2m हो जाएगा, प्लस 3n हो जाएगा, और प्लस का 2 टू द 4 2 7 का 14 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो गई, और सेकंड है बेटा, सेकंड है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे 1 वैल्यू, सो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, रख दीजिए, तो m इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस का 6 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा ये, m प्लस n प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं, हम पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं थर्ड को, यानी थर्ड को क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2m प्लस 2n और प्लस 6 टू जा 12 हो गया इक्वल टू 0, अब ये सेकंड वाली भी इसके नीचे लिखनी है, ये हो जाएगा 2m और प्लस का 3n और प्लस 27 इक्वल टू 0, चलिए माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, ये 2m 2m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का एम, और इधर से माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का 15 बच जाएगा, तो यहाँ माइनस एन इज इक्वल टू 15 या एन इज कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों जरा, अब इसको पुट करना है, कहाँ पुट करते हैं हम, पुट इन इक्वेशन
जरा सेकंड में थर्ड में रख दीजिए बच्चों, ज्यादा बढ़िया रहेगा। थर्ड ये आपका एम है, प्लस का एन है तो माइनस का 15 हो जाएगा, और प्लस का 6 है इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आगे देखते हैं जरा क्या होगा। ये अब ये बच जाएगा एम माइनस 9 बच जाएगा बच्चों, इक्वल टू 0, सो एम इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया, एम की वैल्यू 9 आ गई और एन की वैल्यू माइनस 15 आ गई, और यही दोनों आंसर है इसके। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ 3 एंड -3 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो चलिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। अब इसमें वैल्यूज देनी है, मैं क्या करना है, पुट करना है इसमें, पुट एक्स इक्वल टू पहली वैल्यू लिख लेते हैं 3। कहाँ रखना है, इन इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट में रख दीजिए। तो ए इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का बी इंटू 3 हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 0। चलिए ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 ए और प्लस का 3 बी माइनस 9 इक्वल टू 0। ये 3 से डिवाइड भी हो जा रहा है बच्चों, 3 से डिवाइड करके दे दीजिए तो 3 ए हो जाएगा और प्लस का ये बी हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब क्या करना है, उसी इक्वेशन में एक्स इक्वल टू माइनस का 3 पुट करना है। चलिए इन इक्वेशन कौन से में, फर्स्ट में रख रहे हैं, तो ए इंटू माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी इंटू माइनस 3 हो जाएगा और माइनस का 9 इक्वल टू 0। चलिए ये फिर से 9 ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3 बी हो जाएगा और माइनस का 9 इक्वल टू 0। फिर से 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 ए स्क्वायर माइनस का बी हो जाएगा और माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड में सेकेंड इक्वेशन को और थर्ड को प्लस कर दीजिए। तो कर देते हैं जरा, क्या क्या 3 ए है और प्लस का बी है माइनस का 3 इक्वल टू 0, और नीचे वाली क्या है, नीचे वाले में बच्चों ए स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर था तो मैंने लिख लिया है। सेकेंड वाली लिखी कौन सी, ये है आपकी 3 ए प्लस बी माइनस 3, और यहाँ पर है 3 ए माइनस का बी है और माइनस का 3 इक्वल टू 0। मैंने ऐड करने की बात करी तो ये बी और बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना बचा, 6 ऑफ ए बच गया और माइनस का 6 हो गया इक्वल टू 0। इससे कितना आ जाएगा, 6 ए इक्वल टू 6 हो गया, ए इक्वल टू 6 अपॉन 6 कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा ए इक्वल टू 1। ये कहाँ करना है, पुट कर दिए इसकी वैल्यू को कहाँ पे, इन इक्वेशन सेकेंड वाई पुट कर दीजिए। चलिए सेकेंड ये है तो 3 ए है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस का बी है माइनस का 3 इक्वल टू 0। सो 3 प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, सो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए क्या हो गया, ए इक्वल टू आ गया 1 और बी इक्वल टू 0, और यहीं पर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज बच्चों यहीं समाप्त हो रही है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरिज प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।